हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, मैं डेली आपको डिवाइन मैसेजेस या आपके एंसेस्टर्स के मैसेजेस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, और आपको इनसे काफ़ी हेल्प भी मिलती है, इसीलिए डेली आते भी रहेंगे। ओके, तो ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आज की रीडिंग का टॉपिक यह रहने वाला है। ये रीडिंग जनरल रहेगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसमें जरूर कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा। ये रीडिंग सभी साइंस के लिए रहेगी व्यूअर्स, चाहे आपका कोई भी जोडियक साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो, यह रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, यानी कि जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे या जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। यानी कि अगर इस वीडियो तक आप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल कुछ महीनों या हफ्तों बाद भी पहुंचे हैं, लेकिन जब भी आप इसे देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगी। ओके, आपकी कोई भी उम्र हो, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम थारो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम थारो चैनल को और बन जाएं ड्रीम थारो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, तो आइए चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज ये कार्ड्स हम लेते हैं। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। पहला ही कार्ड अनफोल्ड हुआ है व्यूअर्स, जो कहता है लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। पीस कीपर का कार्ड है। ओके, पीस कीपर, अगला कार्ड है एरो। ओके, चलिए और कार्ड लेते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइडर्स, स्पिरिट्स प्लीज गाइडर्स, प्लीज गाइडर्स। ओके, वी हैव हंटर। ठीक है, ये तीनों कार्ड आ चुके हैं व्यूअर्स। चलिए क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। स्प्रिंग, मदर अर्थ, फायर गार्जियन। तो व्यूअर्स, ये हैं कार्ड्स, आई होप आपको दिख रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो व्यूअर्स, ईश्वर आपको यह संदेश देना चाहते हैं कि लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, यानी कि पहले आप अपनी गलती मानना सीखें जरूर। ऐसा हो रहा है कई बार आप ध्यान नहीं दे रहे हैं शायद इस बात पे कि आप अपनी गलतियां नहीं मान रहे हैं, आपसे मिस्टेक हो रही है, आप कह रहे हैं अरे छोड़ो चलो कुछ और करते हैं, या चलो छोड़ो इस बात को रहने दो। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पहले आप अपनी गलती मानिए कि ठीक है आप सही नहीं थे, आपसे भी गलती हो सकती है, आप भी अभी एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, सब कुछ लर्न कर रहे हैं, आप भी मिस्टेक कर सकते हैं। कोई बात आपने कही है तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ आपने गलत कही थी। आपने जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लिया और वो बेनिफिशियल नहीं रहा तो उसको मानिए कि आपने गलत डिसीजन लिया, या आपने किसी से कुछ गुस्से में बोल दिया और उसको हर्ट हुआ तो ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति से हमेशा के लिए बात करना बंद कर दिया और सब कुछ सॉर्ट हो गया। नहीं, आपको अपनी गलती माननी है। तो यहाँ पर आपको शांति रखने के लिए, आपको ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी गलती मानिए। जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, इट इज़ बेटर कि आप उनको साथ के साथ रियलाइज करते चले जाएं। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके फिर कार्मिक कनेक्शंस बिल्ड हो जाएंगे, यानी कि आप कार्मिक साइकिल में अगेन फिर
अपनी और कार्मिक साइकल्स को जनरेट करेंगे। यहाँ पर व्यूवर्स मुझे ऐसा भी लग रहा है, सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। तो आपको व्यूवर्स यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और अपने आप को ऐसे लोगों के बीच या ऐसे एटमॉस्फेयर में रखने की ज़रूरत है जहाँ आप प्रोटेक्टेड रहें, हेल्थ वाइज भी प्रोटेक्टेड रहें और एनर्जी वाइज भी प्रोटेक्टेड रहें। यानी कि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपको बद्दुआ देते हैं, या आपसे आपका भला नहीं चाहते, या गॉसिप करते हैं आपके बारे में, बिचिंग करते हैं। आपको ऐसे लोगों की एनर्जी के सराउंडिंग्स में रहना चाहिए जो आपकी जेन्युइनली केयर करते हैं और जेन्युइनली आपके रियल फ्रेंड्स हैं, आपको रियल में प्यार करते हैं। आप अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखिए, क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जी के पास आप रह रहे हैं या जो भी आप दिन भर में किसी नेगेटिव एनर्जी के पास होते हैं, तो वो आपको बहुत अफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर ये है ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। तो व्यूअर्स, आप बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी हैं जो करने से आप डर रहे हैं, आपको डर लगता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं, काश ये होता, काश वो होता। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप दोनों चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए। पहली बात तो जिस भी चीज़ को लेकर आपके दिल में डर बैठा हुआ है, उस डर को ख़त्म कर दीजिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक ही होगा, ये ट्रस्ट करके आप डर ख़त्म कर दीजिए। और जो भी चीज़ों को लेकर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं या ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं बातों को अपने दिमाग में इमेजिन कर करके, तो वो सब भी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें ओवर थिंकिंग का कारण बन रही हैं, और ओवर थिंकिंग आपके लिए इस समय अच्छी नहीं है। तो आपसे ओवर थिंकिंग करने के लिए भी कहा जा रहा है और अपने डर को खुद ख़त्म करने के लिए भी कहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे आगे दिख रहा है सी और सीड्स ग्रो। तो अगर आपने बहुत मेहनत की थी किसी चीज़ को लेके, ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ को लेके बहुत मेहनत की थी, बहुत स्ट्रगल किया था, तो अब ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आपको उसका रिटर्न मिल सकता है, कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे थे रिटर्न मिलने का, रिवॉर्ड मिलने का, क्योंकि जो भी आपने एफर्ट्स डाले थे या जो भी आपने मेहनत की थी, हार्डवर्क किया था, उसका रिटर्न आपको नहीं मिला था, चाहे आपके करियर में हो, लव लाइफ में हो, या किसी भी सिचुएशन में हो जीवन के, लेकिन आपको अब रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। अब आपको आपकी मेहनत सफल होती हुई अपनी आंखों से दिखेगी। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर अगला मैसेज है फील लव्ड एंड कंफर्टेड। तो व्यूअर्स, मदर अर्थ का कार्ड है। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप नेचर से जुड़े रहिए, यानी कि पेड़ पौधों को उगाइए, पेड़ पौधों के पास समय बिताइए, गार्डन में समय बिताइए, ओके, हर्बल चीज़ें यूज़ कीजिए, नेचुरल चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ों का ज़्यादा यूज़ कीजिए, नेचर के करीब रहिए, ठीक है, एंड फील लव एंड कम्फर्टेड। यानी कि जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी लवेबल एनर्जी है, आप उसको फील कीजिए और कंफर्टेबल रहिए द वे यू आर, जैसे भी आप हैं, अपने आप को प्यार कीजिए, ठीक है, अपने आप को जैसे हग करना है, अपने आप को हग कीजिए, अपनी सोल को हग कीजिए, सेल्फ लव में ऑपरेट कीजिए। आप अगर सेल्फ लव नहीं करेंगे तो ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप अपने आप में सेटिस्फाइड रहिए, कंप्लीट रहिए और कंफर्टेबल रहिए। वट एवर द वे यू लुक, द वे यू स्पीक, वट एवर यू आर, वट एवर योर लाइफ इज लाइक, लेकिन आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है और अपने आप से बहुत बहुत प्यार करना है, ठीक है। आप अपने आप से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फिश होंगे, इट्स जस्ट दैट कि हम अपनी वैल्यू करना सीखेंगे अगर अब तक हम अपनी वैल्यू नहीं कर रहे थे। आगे मैसेज है इग्नाइट योर पैशन। तो व्यूअर्स देखिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ऑफकोर्स जो भी आपकी हॉबीज हैं या फिर आपके गोल्स हैं, आपका जो भी मिशन है, आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं। इट्स जस्ट दैट कि यू आर नॉट अलाउइंग योर सेल्फ, यू आर नॉट पुशिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को एक धक्का नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को एक पुश नहीं दे रहे हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरत है कि आपको अपने अंदर पैशन इग्नाइट करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसके लिए आप पैशनेट रहिए, डिवोटेड रहिए, ओके, कमिटेड रहिए ऐसी चीज़ों के लिए जो आप करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली आप कर पाएंगे। चाहे ये आपके करियर में कुछ ऐसा गोल था या कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको करनी है, आपको पानी है, तो आप अगर उसको लेकर लेजी हो रहे हैं या उसको टाल रहे हैं कल पे, तो ऐसा ना करें। और ये किसी और सिचुएशन को लेकर भी अगर बात है तो भी आपको टालना नहीं है।
ओके, तो डिवाइन व्यूअर्स आपको यहाँ पर यही संदेश देना चाहते थे जो मैंने आपको अभी बताया। आई होप ये रीडिंग से आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली होगी, अगर मिली है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।